उम्मीद है आप लोगों ने पेपर से बढ़िया किया होगा। 29 जनवरी को अपना ये सेकंड पेपर था, तो आज हम लोग उसी पेपर पर डिस्कशन शुरू करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि पिछले पेपर से आपने पैटर्न किया होगा। इसमें हम लोगों ने दो टॉपिक लिए हैं, एनिमल किंगडम और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो हम लोग उसी तरीके से लास्ट टाइम डिस्कस किया है। पहले हम लोग जियोलॉजी के क्वेश्चन एनिमल किंगडम एज ए टॉपिक जो चैप्टर इसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इससे क्या होगा कि आप ये मान लीजिए कि आपका चैप्टर भी इसमें तैयार होना है। आई एम गारंटेड कि ये जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में अभी क्वेश्चन देख रहा था डिस्कशन से पहले, तो जितनी भी एनसीईआरटी में जो भी कुछ दिया हुआ है मॉर्फोलॉजी से सभी जानते हैं, टॉपिक सबने पढ़ा हुआ है। एग्जाम में मॉर्फोलॉजी से मेनली एग्जाम्पल्स आएंगे, वो सारे एग्जाम्पल्स हमने क्वेश्चन वाइज इसमें दिए हैं, कुछ नए भी फ्रेमवर्क किए इसमें। और इस मॉर्फोलॉजी को हम लोग एक साथ के डिस्कस कर लेंगे। एनिमल किंगडम को अभी शुरू करते हैं, जिससे कि आपको एक पूरी एक थॉरो नॉलेज एनिमल किंगडम चैप्टर की भी होती जाएगी और टेस्ट जैसे कि टॉपिक वाइज है वो भी तैयार होता जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों का जो है 91 क्वेश्चन, स्यूडोसीलोम डेवलप फ्रॉम। तो सभी जानते हैं स्यूडोसीलोम मतलब फॉल्स कैविटी। फॉल्स कैविटी जो है वो स्कैटर्ड एग्जैक्टली स्कैटर्ड मेसोडर्म से बनी होती है, जबकि ट्रू कैविटी जो है साइजोसीलोम जिसे हम कहते हैं, साइजोसीलोम इज डेवलप फ्रॉम फाइलम एनिलिडा। ठीक, एनिलिडा से ट्रू कैविटी शुरू होती है आपका दो जगह से, एक स्यूडोसीलोम से और एक फाल्स कैविटी से। फाल्स कैविटी या सॉरी फाल्स कैविटी स्यूडोसीलोम एक ही बात हो गई, दूसरा शुरू हो जाता है एसीलोमेट से। तो एसीलोमेट की कहानी हम पढ़ते हैं प्लैटीहेल्मिंथ्स में, स्यूडोसीलोम पढ़ते हैं हम लोग एस्केहेल्मिंथ्स में। एस्केहेल्मिंथ्स में स्कैटर्ड मेसोडर्म है, बाकी सब में जहां भी ट्रू कैविटी वहां पे यूनिफॉर्म मेसोडर्म है। तो झगड़ा किस बात का है, झगड़ा इस बात का नहीं है कि इसमें स्कैटर्ड है या कैसी है। क्वेश्चन पूछा गया है कि डेवलप कहां से हो रही है, तो ये ब्लास्टोसील से। नॉर्मली जो ट्रू कैविटी है वो डेवलप होती है डेवलपमेंट के समय, जो एम्ब्रियोनिक कैविटी हम लोग पढ़ते हैं गैस्टुला स्टेज में, ये भी नोट कर लेंगे साथ में। गैस्टुला स्टेज की जो एम्ब्रियोनिक कैविटी है वहां से डेवलप होती है ट्रू कैविटी। हम लोग जानते हैं एम्ब्रियो में तीन स्टेजेस, मारुला, ब्लास्टुला और गैस्टुला। तो गैस्टुला की कैविटी से साइजोसीलोम, जबकि झूठी कैविटी है गैस्टुला से ना डेवलप होकर के ये ब्लास्टुला की ब्लास्टोसील से डेवलप हो रही है, ये क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए आर्केंट्रॉन क्या चीज है, तो आर्केंट्रॉन जो फॉर्मिंग स्टेज है जिस समय एम्ब्रियोनिक कैविटी बन रही होती है वो स्टेज है आर्केंट्रॉन। और जब वो आर्केंट्रॉन बन रही है यानी नई कैविटी अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड होके बन रही होती, तो ये सपोज करिए ये आर्केंट्रॉन बन रही है। आर्केंट्रॉन का जो अपर्चर है जो ओपनिंग है, देखिए बात से बात निकलती है, कई क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे, इस ओपनिंग को ही कहते हैं ब्लास्टोपोर या ब्लास्टोपोर लिप। अब ये जो ब्लास्टोपोर है, अगला क्वेश्चन था ब्लास्टोपोर, ऑप्शन दिया ब्लास्टोपोर इज द ओपनिंग ऑफ आर्केंट्रॉन। आर्केंट्रॉन की जो ओपनिंग है उसको कह रहे हैं ब्लास्टोपोर, आर्केंट्रॉन फॉर्मिंग कैविटी। ब्लास्टोपोर से देखिए बात से बात आगे बढ़ती जाएगी, ब्लास्टोपोर जिनमें माउथ में मॉडिफाई हो गई वो कौन से हो गए बेटा, प्रोटोस्टोमिया। ब्लास्टोपोर जिसमें एनस में मॉडिफाई हो गई वो कौन से हो गए, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, ये सब क्या है, ये सब ब्लास्टोपोर जिसमें एनस में मॉडिफाई हो गई वो सब कहलाते हैं ड्यूट्रोस्टोमिया। तो इस पर भी आगे क्वेश्चन है, टॉपिक यही कर दिया कि ब्लास्टोपोर अगर माउथ में मॉडिफाई होगी तो उसे कहेंगे प्रोटोस्टोमिया। ठीक है, आगे हमें आसानी हो जाएगी, जिसमें ये एनस में मॉडिफाई हो जाएगी उन्हें कहेंगे ड्यूट्रोस्टोमिया। ड्यूट्रोस्टोमिया एक ईसी, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, बाकी इसके पहले वाले प्रोटोस्टोमिया। एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जानते हैं बीच वाली लेयर, तो इसका आंसर हो गया ब्लास्टोपोर, वो सॉरी ब्लास्टोसील
से डेवलप होती है सीडोसिलोम, ट्रू कैविटी डेवलप होती है गैस्ट्रोला से। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। एनिमल विद बिल्ट इन थर्मोस्टेट, क्या कह रहा है कि ये जो थर्मोस्टेट है, इनबिल्ट थर्मोस्टेट, वो एनिमल जो पैदा इसी अपना टेम्परेचर रेगुलेशन की मशीन लेकर के आ रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे, तो उनको कहते हैं होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक जो होंगे वो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं किसको, एप्स को और मैमल्स। ऑलिगोथर्मिक वो होते हैं जो बहुत ही लो टेम्परेचर पे रेस्पॉन्स दे रहे होते हैं। बायोथर्मिक उन्हें कहते हैं जो चिलिंग कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में रेस्पॉन्स दे रहे, शिवरिंग जैसे करने लगते हैं, वो बायोथर्मिक कहलाते। इसे अब कुछ पार्ट आप इकोलॉजी में भी पढ़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। एनिमल किंगडम से आता है 94। Among the following which one is not, ठीक है, आगे ना ड्यूट्रोस्टोम, तो यहीं पे आप नोट कर लेंगे कि ड्यूट्रोस्टोम में हम लोग कहते हैं ईसी को, ईसी मतलब इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, ये है ड्यूट्रोस्टोम। इसके पहले कहां से शुरू हुआ प्रोटोस्टोमिया की कहानी, तो प्लैटीहेलमिंथ्स टू मोलस्का, प्लैटीहेलमिंथ्स, एस्केलमिंथ्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब हो जाते हैं प्रोटोस्टोमिया। इसके ऊपर सब जो है इकाइनो टू कॉर्डेटा दे आर ड्यूट्रोस्टोमिया, जिसमें ब्लास्ट सी आर्चिन और सी डॉलर सब जानते हैं, किसमें पढ़ते हैं हम लोग, इकाइनोडर्मेटा। एक थियोफिस पढ़ते हैं कॉर्डेटा में, एम्फीबिया कॉर्डेट हो गई। तो नॉट इनमें से कौन सा ऐसा जो ड्यूट्रोस्टोमिया नहीं है, यानी जो इकाइनोडर्मेटा कॉर्डेटा में नहीं आता है, तो आपके सामने साफ साफ चिल्लाता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज अर्थवर्म। अर्थवर्म किसमें रखा जाएगा, प्लैटीहेलमिंथ्स, एस्केलमिंथ्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये जो है रखा जाएगा प्रोटोस्टोमिया। अर्थवर्म इज प्रोटोस्टोमिया। तो यहां तक याद रखेंगे आप, कॉन्सेप्ट आपको वहां दे दिया, इसीलिए हम पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। इसे आप नोट कर सकते हैं, ईसी, काइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन स्पंजेस डाइजेशन टेक्स प्लेस इन, तो ज्यादातर लोगों ने इसमें गड़बड़ कर दिया है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी कर दी। पैरागैस्ट्रिक कैविटी स्पेस है, स्पंजेस में जो डाइजेशन है वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर होता है। और जब ये इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है तो वो होगा कहां पर, फूड वैक्यूल, ऑस्कुलम, ऑस्टिया क्या है, ये इनका वाटर कैनाल सिस्टम में एंट्री पॉइंट, ऑस्कुलम एग्जिट पॉइंट, ये स्पेस है, बॉडी कैविटी नहीं कहेंगे इसको, स्पेस कहेंगे, जगह। लेकिन डाइजेशन विद इन ए फूड वैक्यूल होता है। अगर बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो डाइजेशन शुरू कौन सी सेल में होता है, तो शुरू होगा और फिर पहुंच जाएगा अगली सेल में, जिसका नाम है अमीबोसाइट, और यहीं से फूड फिर डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, स्टोर भी होता है। तो इतनी बात आपके लिए काफी है, डाइजेशन इंट्रासेलुलर, अमीबोसाइट और कोइनोसाइट, पहले कोइनोसाइट में फिर अमीबोसाइट में ये चलेगा। अगला आता है मोस्ट एप्रोप्रिएट टर्म फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। ओबेलिया के लिए सबसे बढ़िया टर्म क्या है, मेटास्टेसिस, तो हम लोग इम्यूनिटी पढ़ते हैं, धुआंधार या फायरिंग चल रही होती, नियोटेनी, न्यूली बॉर्न स्टेज कहलाती है, उसमें लार्वल स्टेज में फिनोमेना आते हैं, नियो, नियो वर्ड हमेशा यूज करते हैं बच्चे के लिए, चाइल्ड के लिए, लार्वा के लिए। मेटामॉर्फोसिस, लार्वा से एडल्ट बनने की कहानी कहलाता है।
मेटामॉर्फोसिस। मेटा का मतलब होता बाद में, मॉर्फोलॉजी में चेंज आ गया बाद में। मेटाजेनेसिस जनरेशन में बाद में क्या आ रहा है, ओवेलिया हो और इलिया हो, सीलेंटेटा हो, तो सीलेंटेटा में हम लोग देखते हैं एक फिनोमेना पाया जाता है जिसे कहते हैं मेटाजेनेसिस, जिसमें इंडिविजुअल अपनी लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस से गुजरता है, एक ट्यूबुलर पॉलिप और एक अम्ब्रेला शेप मेटोसाइट स्टेज। इस तरीके की पॉलिप स्टेज बनती है और कुछ ऐसी मेटोसाइट स्टेज बनती है, और इनका भी अल्टरनेट चलता रहता है, पॉलिप से मेटोसा, मेटोसा से पॉलिप, ये अल्टरनेट वे में चलता है। तो इनकी मेटाजेनेसिस, कोई एडल्ट स्टेज पॉलिप होता है, शॉर्ट लिव मेडुसा होती है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक फिनोमेना है इसमें, लेकिन किस कंसर्न में, स्ट्रक्चर वाइज ट्यूबुलर पॉलिप और स्ट्रक्चर वाइज मेडुसा, इसी फिनोमेना को कहते हैं बेटा मेटाजेनेसिस। तो करेक्ट आंसर मेटाजेनेसिस हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 97 में बी। नेक्स्ट आता है मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म फॉर, अच्छा ये हो गया 98। इसमें से पूछा गया है इनमें से कौन सा रॉन्ग है, विच वन इज रॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 98। तो रॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है इसमें, तो इसमें पहले है कि आप नीडोसाइट्स आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड ऑन द बॉडी, ठीक है, टेंटिकल्स में पाए जाते हैं नीडोसाइट्स, नीडोब्लास्ट, डिप्लोब्लास्टिक विद सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक जहां से शुरू होता है वहां से सेलुलर नहीं रहेगा, वहां से टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और पहले डिप्लोब्लास्टिक पूछा जाए तो आप कहेंगे सीलेंटेटा, ओनली डिप्लोब्लास्टिक पूछा जाए तो आप कहेंगे सीलेंटेटा एंड नीडोफोरा। पॉलीफॉर्म्स ऑलवेज ऑलवेज फ्री लिविंग नहीं, ऑलवेज गड़बड़ है, ठीक है ना, तो दो ये मिली गए, ये ऑलवेज नहीं होना चाहिए। एग्जिबिट मेटाजेनेसिस, सीलेंटेटा रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जिबिट मेटाजेनेसिस ठीक है, पॉलिप प्रोड्यूसर्स मेडुसा करता है लेकिन एसेक्सुअल, सेक्सुअली नहीं, तो इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट जो है सेकंड थर्ड और फिफ्थ दे आर रॉन्ग, और बाकी जो पांच में से दो स्टेटमेंट हैं वो ठीक है, पहला भी ठीक है और फोर्थ भी ठीक है, एग्जिबिट मेटाजेनेसिस और नीडोब्लास्ट, ये दोनों बातें ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग एनिमल किंगडम से रिलेटेड, इसमें उन्होंने एनिमल किंगडम में 60 क्वेश्चंस दिए थे आपको, मॉर्फोलॉजी के 30 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन, तो एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट दे दिया जाए या इनकम्प्लीट दे दिया जाए, तो याद रखना इस क्वेश्चन में एक आपको थ्योरी भी बता देते हैं, DCR याद रखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, DCR NCERT पेज नंबर 60 पर एक चार्ट बना हुआ, उसमें दिया भी है, उसका ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम इक्वल टू ए की, पहला फाइलम जो ए से शुरू होता है वो है एस्केलेमेंट्स, दूसरा ए से शुरू होता है एनिलिडा, तीसरा ए से शुरू होता है आर्थ्रोपोडा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत कहां से है, एस्केलेमेंट्स से, यानी एस्केलेमेंट से पहले वाला जो भी होगा उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होगा, यानी प्लेटीहेलमिंट्स में, तो टीनिया प्लेटीहेलमिंट्स है लेकिन प्रॉन आर्थ्रोपोडा में आ गया, एस्केरिस एस्केलेमेंट्स है इसमें नहीं हो, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, फेसियोला में नहीं होता है, टीनिया इकाइनोकोकस ये दोनों ही प्लेटीहेलमिंट्स से रिलेटेड है, प्लेटीहेलमिंट्स में एलिमेंट्री कैनाल एबसेंट है, क्यों एबसेंट है, क्योंकि एनस नहीं, एनस ना होने की वजह से प्लेटीहेलमिंट्स में दोनों बातें कही जाती हैं, क्या, पहली बात बॉडी प्लान कैसा हो जाएगा, ब्लाइंड सेक, किसकी वजह से, एनस नहीं, दूसरी बात डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है,
या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट है क्योंकि एनस नहीं। तो क्वेश्चन तीनों में जवाब एक ही है, एनस नहीं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनस ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। ओके आगे बढ़ते हैं। पूछा गया मेल फीमेल, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मेल डिफरेंट है फीमेल से, तो याद रखेंगे फीमेल की लेंथ ऐसी लंबी चली जाती है, मेल अपना ऐसे कर्व रहता है, मेल की लेंथ भी ज्यादा होती है, फीमेल ऐसे कर्व रहेगा, फीमेल पे जो है क्लोइकल अपर्चर है और उस पे ये पीनियल स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो कर्व टेल पाई जाएगी इनके अंदर, यही सीधा सीधा आंसर है। सकर्स पूछ लिया गया तो बात कर लेते हैं, सकर्स जो है बेटा याद रखना कैरेक्टरिस्टिक है प्लेटी हेलमिंस, उसको हम लोग रटते हैं याद रखते हैं, लेकिन सकर्स और भी जगह पाए जाते हैं, सकर्स लीच में ही पाए जाते हैं, सकर्स हमारी स्किन की मेलेनोसाइट्स में ही पाए जाते हैं, ह्यूमन बींग की जो मेलेनोसाइट्स है उनमें भी सकर्स होते हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक सकर्स और हुक्स प्लेटी हेलमिंस को दिया जाता है। टैपरिंग ये तो हो चुकी बातें, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनेलिडा जो है वो एडवांस है एस्केलमिन से या निमेटोडा से, ठीक है, निमेटोडा से एडवांस है एनेलिडा, क्यों? ठीक बात है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, लेकिन जब हम लोग एडवांस की बात करते हैं, मोर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमेशा इवोल्यूशन देखेंगे किसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो सबसे बड़ा चेंजेस देखो निमेटोडा यहीं दब जाता है कि ट्रू सीलोम नहीं है इसके पास, ट्रू सीलोम एनेलिडा से शुरू होता है, साइजोसीलोम एनेलिडा से शुरू होता है, और ये साइजोसीलोम ना होने की वजह से ये मामला सन्नाटे में चला जाता है, वो कहता है कि भैया तुम ये एडवांस हो, तुम्हारे पास ट्रू कैविटी है और निमेटोडा के पास फॉल्स कैविटी है, इसलिए निमेटोडा लेस एडवांस होगा, एनेलिडा ज्यादा एडवांस माना जाए। क्वेश्चन है डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट्स, तो एक बात बस याद रखेंगे अगर पढ़ाया हमने तो इंसेक्ट का ही दूसरा नाम है हेक्सापोडा, क्लास हेक्सापोड्स, हेक्सापोडा, हेक्सा का मतलब ही होता है थ्री पेयर, छह, ये याद है, कंपाउंड आई और भी जगह, काइटनस एक्सोस्केलेटन पूरे आर्थ्रोपोडा में, सेगमेंटेड बॉडी याद रखना, बाद की बात चल रही है, थोड़ा बहुत आप नॉलेज लेते चलिए, और थोड़ी बहुत नहीं बेटा इस डिस्कशन में आपको पूरा चैप्टर समझना रिवाइज हो रहा, मेटामेराइजेशन या सेगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर सी, कुछ भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एनिलिडा आर्थोपोडा और कॉर्डिडा, कोई कुछ भी कहता रहे कि भैया मोलस्का में भी तो फुट सीटा है, वो डिफरेंशिएशन है, सेगमेंटेशन नहीं, विभाजन नहीं है, वो विभेदन है, विभाजन का मतलब सेगमेंटेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन तीन फाइलम में होता है, एनिलिडा आर्थोपोडा और कॉर्डिडा। तो ये ऑप्शन दिया था इसलिए बात छेड़ दी, अदरवाइज हम क्वेश्चन की बात करें तो इंसेक्ट या हेक्सापोडा में थ्री पेयर ऑफ लेग्स इज द करेक्ट आंसर, इसको आप टिक कर दें, इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे एनिमल किंगडम से रिलेटेड है, ऑस्फ्रेडियम इज ए स्ट्रक्चर इन पाइला ऑफ मोलस्का, ठीक है, तो देखो ऑस्फ्रेडियम जो है अगर आपने मोलस्का पढ़ा हो, पाइला की थोड़ी आउटलाइन देखी हो, तो सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, सेंसरी में बैलेंसिंग नहीं होना चाहिए, टेस्ट करते हैं केमिकल नेचर को, तो टेस्ट के में भी कीमो रिसेप्टर ही है सबसे बेस्ट आंसर ऑस्फ्रेडियम। इकाइनोडर्मेटा की बात करें, इकाइनोडर्मेटा इज ए ग्रुप ऑफ एनिमल, तो भाई जॉइंटेड लेग होना नहीं, हटा दिया इसको फटाफट, ठीक, सीलोमेट, सीलोमेट ये हटा दिया, सीलोमेट है नहीं, सीलोमेट
और नहीं, नहीं क्योंकि काइनस का मतलब ही हम लोग रटा हुआ है इस गाइन इस वो स्पाइनी स्किन, ये तो ही काइनोडर्मेटा, कांटे लिए हुए खाल में कांटे हैं, स्किन में कांटे। तो करेक्ट आंसर सीलोमेट, ट्रू सीलोमेट, स्पाइनी एंड मैरीन। मैरीन में याद रखना एक्सक्लूसिवली मैरीन है, सिर्फ और सिर्फ मैरीन में ही पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज मैच करना है क्वेश्चन। लिम्बलेस रेप्टाइल कॉलम वन कॉलम टू को मैच कर देना है। तो इस बार वैसे आंसर सब सही आपको दिए हैं। लिम्बलेस रेप्टाइल हो गया आपका स्नेक में, लिम्स नहीं पाए जाते। जॉलेस वर्टिब्री, जॉलेस वर्टिब्रेट में दो हैं, लैम्प्रे जिसको पेट्रोमाइजॉन भी कहते हैं और डिप्नॉय। एम्फीबियंस सेलेमेंडर हो गया मेरे ख्याल से, और तो कोई है नहीं। कार्टिलेजियस फिशेस सामने दिख रहा है, फ्लाइटलेस बर्ड सामने दिख रहा है। तो ए का थ्री, ए के आंसर चिपक गया, बी का वन, सी का टू सेलेमेंडर, डी का फोर और ई का फाइव, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन अकर्स। तो सेल टिश्यू का मतलब ही हो गया भाई टिश्यू ही बन गए और क्या, टिश्यू तो आ गए, सेल टिश्यू के टिश्यू बन गया। अगला अमीबा होगा नहीं, टेपर में ऑर्गेन आ गए, एस्केरिस में ऑर्गेन आ गए, तो हाइड्रा हो जाएगा आंसर बी, सीलेंटेटस। सीलेंट्रेटा एंड नीडोफोरा ये दोनों ही आते हैं टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसका सही आंसर 110 का सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कॉर्डेट्स। तो देखो डायफ्राम जो है वो मैमल्स में है, ह्यूमन बींग में है, सभी कॉर्डेट्स में नहीं आप पकड़ के बैठ जाएंगे। डायफ्राम कॉर्डेट का करेक्टर है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड ठीक है, फेरिंजियल है। तो इसका आंसर जो है वो सही हो जाएगा आपका कौन सा, डी, वो डायफ्राम। नॉट पूछा, नॉट कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ते हैं कि साहब नोटोकॉर्ड का पाया जाना, ठीक है ना, डॉर्सल नर्व कॉर्ड का होना, फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाया जाना, ठीक है, पोस्ट एनल टेल होना, एंट्रोसीलोम होना, ये सब। लेकिन डायफ्राम जरूरी नहीं है कि वो सभी कॉर्डेट में हो, मैमल्स ना हो। तो ये आंसर नॉट वाले में सही हो जाएगा आपका, this one is B, 112। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्लोजेस्ट प्राइमेट रिलेटिव ऑफ ह्यूमन बींग। वैसे ही इवोल्यूशन में भी हम लोग पढ़ेंगे इस बार इवोल्यूशन, तो इसमें देखेंगे सबसे जो हमारे करीब आ जाता है वो है गोरिल्ला, गॉर्जी आ जाती है, गोरिल्ला 10 मिलियन ईयर पहले का है, ऑरंगोटोन जो है वो मेरे ख्याल से 18 मिलियन ईयर है, रिएसिस मंकी 25 और गिबन जो है 28 मिलियन ईयर है। तो सबसे नियर बाय जो है हमारे वो गोरिल्ला आता है, 10 मिलियन ईयर है वो ये था। और एक बार चेक कर लेते हैं 113 में 10 18 25 28 मिलियन ईयर, ठीक। तो सबसे नियर बाय हमारा जो बिल्कुल
जस्ट एबव जो हमारे हैं, जस्ट पहले हमारे वो हैं गोरिल्ला, और रिएसेस बहुत दूर है, गोरिल्ला के बाद आता है औरंगुटून, उससे ऊपर पूर्वज है रिएसेस मंकी, और सबसे पुराना पहुंच जाएगा गिबन, तो सबसे नियर है हमारे गोरिल्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्टिलेजनस फिश विद एन अपरकुलम। कार्टिलेजनस फिशेस में नॉर्मली अपरकुलम नहीं पाया जाता है, एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है, कार्पस उसमें बोनी फिशेस में अपरकुलम रहता है जो गिल्स को कवर करते हैं, एयर ब्लैडर पाया जाता है, इसीलिए बोनी फिशेस जो है वो सेटल डाउन भी हो जाती हैं, सो भी लेती हैं, ये कीप ऑन एयर को स्टोर नहीं कर पाती हैं, स्टैग्नेंट नहीं रह पाती, कीप ऑन स्विम करती रहती हैं, फ्लोट करती रहती हैं कार्टिलेजनस फिशेस। लेकिन एक कार्टिलेजनस फिशेस है जिसमें अपरकुलम है, वो है काइमेरा। ठीक है, ट्राइगोन जिसे कहते हैं, टॉर्पीडो जानते हैं, ट्राइगोन स्टिंगरे, ठीक, इसको अलगाउन डॉग फिश। तो काइमेरा एक ऐसी है जिसके अंदर जो है वो अपरकुलम भी मौजूद है, बाकी और कार्टिलेजनस फिशेस में नहीं होता है। ये सभी जानते थे वेनम ऑफ कोबरा। तो ज्यादा जितने भी एनिमल सेक्रेटिंग टॉक्सिक्स हैं, वेनम है, जहर है, वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, मूर्छित कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं, बहुत ज्यादा असर डालेंगे तो आप कोमा में भी चले जाएंगे। दूसरा एक और क्वेश्चन पहले से ही मिलता जुलता है, पोस्ट एनल टेल इज फाउंड इन। तो आपको बताया पोस्ट एनल टेल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स, तो कॉर्डेट्स में आपका आ जाएगा ये लेपिज्मा, पोस्ट एनल टेल। 118 क्वेश्चन, आफ्टर ड्राइंग और ड्राई हो जाएगा तो उसमें ये स्पॉन्जिन फाइबर्स दिखाई देंगे, स्पिक्यूल्स नहीं खाली दिखाई देंगे, स्पॉन्जिन फाइबर्स जिससे कि इसके स्पिक्यूल्स बने हुए हैं, वो प्रोटीन दिखने लगेगी। बाद स्पंज में हम लोग पढ़ते हैं स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिला, तो इन स्पंजेस में जो है वो स्पॉन्जिन फाइबर्स दिखाई देंगे। ठीक ना, होल्ड फास्ट टेंटिकल्स। नोटोकॉर्ड अकर्स इन एम्ब्रियोनिक स्टेज इन, तो नोटोकॉर्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जानते हैं सभी लोग नोटोकॉर्ड किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, कॉर्डेट्स। अब कह लेंगे आल कॉर्डेट्स की, आल वर्टिब्रेट की सम वर्टिब्रेट, तो कंफ्यूज किया गया, आप याद रखेंगे आल कॉर्डेट्स, कोई कॉर्डेट है ऐसा नहीं हो जिसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड ना। हार्डमानिया या हम जिसको पढ़ते हैं इसमें यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा में एडल्ट स्टेज में नहीं है, लेकिन यूरोकॉर्डेटा की लार्वल स्टेज एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, इसमें भी पाई जाती है, एडल्ट स्टेज में नहीं। करेक्ट आंसर आल कॉर्डेट्स। क्वेश्चन पूछा गया स्कोरिडॉन इज आल्सो कॉल्ड, स्कोरिडॉन में अभी आप लिख चुका हूं डॉगफिश, ये आंसर हो जाएगा। कटल फिश जानते हैं सीपिया को कहते हैं, मोलस्कन है। जेली फिश साइफोजोआ है, ऑरेलिया को, साइनिया को, राइजोस्टोमा को, ये सब जेली फिश राइजोस्टोमा जेली फिशेज हैं। और जेली फिश अगर हम कहें तो सारी सारी बिलोंग करती हैं क्लास साइफोजोआ, फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम सीलेंट्रेटा में ये सब आएंगी। जेली फिश इज नॉट ए फिश, कटल फिश इज नॉट ए फिश, नॉट ए फिश, इसको क्वेश्चन आने आना रहता। जितने भी फिश हैं बच्चों सबके नाम आप एक कार्ड पे लिख के याद करते रहें, जितने भी रैट, जितने माउस हैं, सी माउस,
ठीक है ना, सी हॉर्स, ये सब कंफ्यूज कराते हैं, इनकी लिस्ट दे दी जाती है। अगला क्वेश्चन वो सिंपल सा है, विच वन इज ए सिनोनिम, तो यही है ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सिनोनिम। ट्रिप्लोब्लास्टिक से कैविटी शुरू होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है तो बॉडी कैविटी नहीं है, फॉर्मूला आपको कोई नहीं बताएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक से कैविटी की बात है, कहना सर स्पंजोसील में है, स्पंजेस में, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सीलेंटेटा में निटी वहीं शुरू होगी जहां से मीजोडर्म होगी, और मीजोडर्म वहीं होगी जहां पे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। डिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म नहीं है, ट्रिप्लोब्लास्टिक से तो मीजोडर्म है। तो जब ट्रिप्लोब्लास्टिक से मीजोडर्म है, मीजोडर्म से ही आप पहचानते हैं कि यूनिफॉर्म है कि स्कैटर्ड है, तो हम ढूंढें कहां से, ट्रिप्लोब्लास्टिक से ढूंढेंगे क्योंकि वहां से मीजोडर्म। तो जब मीजोडर्म ढूंढा तो देखा हमने कि प्लेटी हेलमिंस ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन उनमें पहली कंडीशन वायलेट हो गई, स्पेस गायब, इसलिए ये हो गए एसिलोमिक। प्लेटी हेलमिंस के आगे गए, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक तो यही है, इनके आगे गए किसमें नहीं दिया हुआ, एसके हेलमिंस में पहुंचे, तो एसके हेलमिंस में पहुंचे तो एसके हेलमिंस में सेकंड कंडीशन वायलेट हो गई, मीजोडर्म कैसी हो गई, स्कैटर्ड हो गई। तो वो कैसे हो गए, छोटी कैविटी स्पेस तो लिए हुए, सिंडोसिलोम। तो बेस्ट आंसर प्लेटी हेलमिंस, एनलिडा आर्थ्रोपोडा सब में कैविटी है, एनलिडा आर्थ्रोपोडा इन सभी में कैविटी मौजूद है, और इनमें जो कैविटी है उनमें हम लोग देखते हैं कि यहां पे आर्थ्रोपोडा में ब्लड भरा हुआ है तो इसको कह देते हैं हीमोसील। इकाइनोडर्मेटा में हम लोग एक वर्ड और यूज कर देते हैं एंट्रोसिलोम, इधर लिख देना दोबारा एंट्रोसिलोम, क्यों, क्योंकि इनकी जो सील है कैविटी है वो एसोसिएट है एलिमेंट्री कैनाल से, दैट्स इट, ऐसे पकड़ दीजिए बात को। बहुत सिंपल क्वेश्चन, मोलस्कंस के ब्लड में क्या मौजूद है, कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर का हीमोसाइन है, ये है। हीमोग्लोबिन पाया जाएगा मैमल्स में, ह्यूमन बीइंग में, हीमोज्वाइन, हीमोज्वाइन याद रखना हिमैटिन की ब्रेक है, जब लोग प्लाज्मोनियम पढ़ते हैं प्लाज्मोनियम वाइवैक्स हीमोग्लोबिन को तोड़ देता है, तो ग्लोबिन को तो खा भी लेगा, हीमो जो पार्ट है हिमैटिन जो पार्ट है एज ए वेस्ट हीमोज्वाइन आ जाता है, तो इसका आंसर है सी, हीमोसाइनिंग इज द करेक्ट आंसर। डाइजेस्टम इज एब्सेंट इन, तो शायद हो चुका था 27, ठीक है देखिए बड़ा क्वेश्चन पेचीदा हो गया, एब्सेंट पूछा गया, तो प्लेटी हेलमिंस भी लग रहा है लेकिन हमें एक ही टिक करना है, तो प्लेटी हेलमिंस में डाइजेस्टम हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट है, आर्थ्रोपोडा में मौजूद है, नेमेटोडा में भी है, और पोरीफेरा में एब्सेंट हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर पोरीफेरा, डाइसिस्टम इज एब्सेंट इन पोरीफेरा, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एकॉर्न वर्म, एकॉर्न वर्म को किसमें गिनेंगे, ये सिस्टोडा है नहीं, ट्रेमेटोडा है नहीं, क्योंकि ये दोनों क्लास है किसके, प्लेटी हेलमिंस के, हेमीकॉर्डेटा सोच सकते हैं, काइनोडर्मेटा है नहीं क्योंकि काइनोडर्मेटा में कोई भी वर्म नहीं आता है, सी कुकुम्बर आएगा, सी डॉन आ जाएगा, सी लिली आ जाएगा, लेकिन कोई भी क्या नहीं आएगा, वर्म नहीं आएगा, तो वर्म कहां हो जाएगा, हेमीकॉर्डेटा, 128 का सही हो जाएगा सी आंसर जो है हेमीकॉर्डेटा में, हम लोग रखेंगे एकॉर्नवर्म दैट इज बेलेनोग्लासस को, सैकोग्लासस बेलेनोग्लासस ये सब हेमीकॉर्डेटा। अब बात चली रही है तो हेमीकॉर्डेटा क्या कॉर्डेटा है कि हाफ कॉर्डेटा है, याद रखना
कंप्लीटली नॉन कोऑर्डिनेट। पुराना टाइम था जब इसे हेमी हाफ कोऑर्डिनेटा कहते थे, तब लोगों को पता नहीं था कि ये झूठी नोटोकॉर्ड लिए हुए जिसका नाम है क्या है, स्ट्रोमोकॉर्ड। और ट्रू नोटोकॉर्ड के पास क्या होती है, ट्रू नोटोकॉर्ड, ट्रू कोऑर्डिनेटा के पास नोटोकॉर्ड रहती है, ये है स्ट्रोमोकॉर्डिनेटा, झूठी नोटोकॉर्ड, फॉल्स नोटोकॉर्ड लिए हुए। तो याद रखना कंप्लीटली नॉन कोऑर्डिनेट में रखेंगे। कुछ ना कुछ तो आपको एड ऑन करते चलते हैं, नॉलेज आपकी थोड़ी बढ़ती रहे, जो आने वाले एग्जाम में आपको काम आए। क्वेश्चन आंसर के थ्रू तो आप पढ़ ही रहे हैं, वो तो आपको काम आ ही रहा है, साथ ही साथ कुछ फीचर अगर समय हो तो जोड़ते रहना चाहिए। और इसी कंटिन्यूशन में हम देखते हैं फीचर कॉमन इन, देखिए सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, ड्रैगन फिश एंड प्रॉन, इन सब में कॉमन क्या है। तो भाई थ्री पेयर लेग सब में नहीं है, लेकिन ये सब एक ही फाइलम में आते हैं, आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा सब ने रटा हुआ है, एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ, काइटिन का बना हुआ। आर्थ्रोपोडा है तो आर्थ्रो का मतलब ही होता है जॉइंटेड, जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो मेरे ख्याल से 130 का सी जा रहा है सीधा सीधा आंसर, और यही सही है। सिल्वर फिश का नाम आप याद रखिएगा, लेपिज्मा जो आया था तो पहले ऑप्शन में लेपिज्मा, इसका आपको पता है ये ड्रैगन फ्लाई प्रॉन, ठीक है, माउथ फीडर इंग्लिश, ठीक। तो इसका आंसर हो गया सी 130। आगे बढ़ते हैं। In contrast to Annelida, the platyhelminths shows. Annelida में जो नहीं है और जो platyhelminths में दिखाई दे रहा है, बॉडी सिमेट्री ठीक है, रेडियल दोनों में नहीं है, सब्सिडोसिल दोनों में नहीं है, platyhelminths shows absence of body cavity। तभी तो आपको हमने बताया पिछले दो दिन डिस्कशन में, इसको हम ए सीलोमेट कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, बायलेटरल सिमेट्री भी है, तो ए आंसर सही हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी वो इनमें पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन है जो बर्थ आउट करते, they give birth to young ones, ठीक है ना, भी हो जाता है लेकिन वहां पे ऑस्ट्रिच फंस गया। तो सबसे बेस्ट इसमें है ए, कंगारू, हेडनहॉग, डॉल्फिन, लॉरिस। तो इसमें आप देखेंगे हम लोगों ने जब मैमल्स पढ़ते हैं तो तीन कैटेगरी बांटते हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथ, तो उसमें ही आ जाते हैं जो गिव बर्थ कर रहे होते हैं, दैट इज 33 का ए, कंगारू, हेडनहॉग, डॉल्फिन और लॉरिस, ठीक। आगे क्वेश्चन पहुंचते हैं, मेटामराइजेशन आपको बता ही चुके हैं, ए स्क्वायर सी के अलावा कहीं नहीं होगा, एनिडा आर्थ्रोपोडा कॉर्डेटा, तो एनिडा आर्थ्रोपोडा ये दिया हुआ है, मोलस्का में है नहीं, ठीक है ना, ए स्क्वायर सी एनिडा आर्थ्रोपोडा कॉर्डेटा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई रेडियल सिमेट्री एंड लैक ऑफ नीडोब्लास्ट। तो बाई रेडियल, देखो रेडियल जो है वो सीलेंटेटा और टीनो फोरा में है, तो इसका आंसर हो जाएगा टीनोफोरा, टीनोफोरा के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, टीनोप्लेना और बेरोई, इनके अंदर ये कहानी हो जाएगी बाई रेडियल, क्योंकि स्टारफिश में पाया जाता रेडियल, यहां पे भी रेडियल है, एरिया में पैरामीसियम एसिमेट्रिकल है, तो करेक्ट आंसर इज सी 136।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच फाइला मैंडेट थ्री एग्जाम्पल, पोरी फेरा में, सीलन टेटा में। देखो पोरी फेरा बैठ गया था लेकिन यहाँ पर पेनेटोला फंस गया, पेनेटोला जो है बिलोंग करता है सीलन टेटा को, यहाँ पे बैठ गया था लेकिन बोनेली आ गया, बोनेली बिलोंग करता है एनी लिडा। प्लेटी हेलमेंस में एंट्रोबियस फंस गया, एंट्रोबियस बिलोंग करता है एसके हेलमेंस को, तो मोलस्का सही बैठ जाएगा लॉलिगो टेरिडो और ऑक्टोपस 137 मोलस्का बेस्ट, क्योंकि पेरेटोला जो है वो है किसका सीलेंटेटर का, सी पेन, ये एनिलिडा का है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन एनवायरमेंटल से डिटरमिनेशन में हम बोनेलिया का एग्जांपल पढ़ते हैं। इंट्रोबियस या ऑक्सी जो रेसिस चुन्ने जिनको कहते हैं, चुन्ने काट रहे हैं, ये एंट्रोबियस रहता है, ये बिलोंग करता है इसको एसके हेलमिंस को, तो बेस्ट आंसर इज मोलस्का। चलिए इस बार वैसे काफी बच्चों ने अच्छे जवाब दिए हैं, रेडियो सिमेट्री हो गया, नहीं 139 रेडियल सिमेट्री किसमें दिखाई देगी, तो रेडियल सिमेट्री बेटा सीलेंटेटा और इकाइनोडर्मेटा में है। जब पोरीफेरा दिया हो और इकाइनो और सीलेंटेटा दिया हो तो हम टेक्निकली पोरीफेरा कहते हैं एसिमेट्रिकल। सबसे पहले रेडियल सिमेट्री सीलेंटेटा सीसीई में आया है, सीलेंटेटा टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा सी स्क्वायर ई, बाकी सब में बायलैटरल सिमेट्री या फिर एसिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री का आंसर बी हो जाएगा 139 बी। ठीक है नेक्स्ट आ जाएंगे पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर जो है ये कॉमन नेम है फाइसेलिया का, फाइसेलिया उसी क्लास को बिलोंग करता है इसमें हाइड्रा आता है, दैट इज हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ क्लास है। फाइला में इसका सीलेंटेटा जिसमें आपके आ जाते हैं हाइड्रा, ओबेलिया, ओबेलिया भी इसी क्लास को बिलोंग करता है, हाइड्रा भी इसी को बिलोंग करता है, और अपना ये फाइसेलिया। तो ही फाइसेलिया कॉमन नेम है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, क्योंकि इसकी शक्ल जो है वो कुछ पुर्तगाली जो लड़ाका होते थे ऐसा जो हेड लगा देते हैं ऐसे हेड थोड़ा सा उनकी तरह इसका शेप रहता है, इसलिए इसको बोल देते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर फाइसेलिया सीलेंटेटा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कॉमन फीचर एमंग सिल्वर फिश क्रैब कॉकरोच एंड हनी बी, छूटा तो नहीं बोल रहा, पोर्टुगीज हो गया 142 हो गया। ठीक है ना, तो ये मेरे ख्याल से वही क्वेश्चन है, ज्वाइंटेड लेग हो जाएंगे सिल्वर फिश हनी बी कॉकरोच क्रैब ज्वाइंटेड लेग अपेंडिज सिंपल सा है। पॉइजन ग्लैंड कहें तो कॉकरोच में नहीं है, कंपाउंड आई कहें सिल्वर फिश में नहीं है, मेटामॉर्फोसिस हनीबी में पाया जाएगा लेकिन कॉकरोच में ना के बराबर है, पॉलीमेटाबोलस है, जॉइंटेड लेग इज करेक्ट आंसर। फीचर कॉमन बिटवीन लीच कॉकरोच और स्कॉर्च, लीच हो गया आपका एनलिडा, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा, स्कॉर्पियो आर्थ्रोपोडा, नेफ्रिडिया दोनों में नहीं होंगे, एंटीना दोनों में नहीं होंगे, सिफिलाइजेशन दोनों में नहीं होगा, लेकिन हाँ वीएनसी इनमें पाई जाएगी, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नर्वस सिस्टम जो है वो एनिलिडा से ही शुरू हुआ था, एनिलिडा से शुरू हुआ है नर्वस सिस्टम, पूरी बात सुनना, कहोगे नर्वस सिस्टम तो सर सीलेंटेटा से शुरू हुआ है, सही बात है, लेकिन एनिलिडा से शुरू हुआ है नर्वस सिस्टम जो कि डिफरेंशिएटेड हुआ है सीएनएस पीएनएस और एएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ये एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का,
एनलिडा से बिगिनिंग है सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल पेरिफेरल और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की, जिसमें हम लोग देखते हैं दो स्ट्रक्चर होते हैं इनर रिंग और उससे निकलती हुई कॉर्ड जिसे कहते हैं नर्व कॉर्ड, जो साइड में रहती है वेंट्रल, तो वीएनसी वेंट्रल नर्व कॉर्ड और ये नर्व रिंग, ये दो स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे पाए जाएंगे इन्हीं सब में, कॉमन पार्ट रहेगा 143। ठीक बैठ गया, आ जाता 146। तो 146 में देखिए मैच द कॉलम, मैच करना है दोनों कॉलम को, बताइए दिखाई दे रहा था, प्रोटोजोआ है मोनोसिस्टिस, एसके हेलमेंस है बुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई, एस्केरिस और फाइलेरियल बोरी फेरा बोरिंग स्पंज, टीनोफोरा बेरोई, तो बचा नंबर ही बचा जोड़ दो ले जाए, ए का 3, बी का 4 सही है, सी का 5, डी का 2। ठीक, डिस्कशन क्या हुआ, तो भाई क्लाइना को याद रखना बोरिंग स्पंज, ये मोलस्कंस की पीठ पे आ जाते हैं इसलिए इसको कहा जाता हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री, हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री, जहां पर मोती बनते हैं, ओएस्टर्स बनाते हैं, ओएस्टर्स की पीठ पर ये मोलस्कंस की पीठ पर डेवलप होते हैं, सेल पर डेवलप होते हैं क्लाइना, बुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई फाइलेरियासिस एलिफेंटियासिस कॉज करता है, ठीक, पेनाटुला जिसे सी पेन कहते हैं ये नेडेरिया से बिलोंग करता है, क्लास एंथोजोआ पेनाटुला, ठीक, तो इसको नोट कर लिया, हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री क्लाइना। Which one is currently matching? में से कौन सा सही मैच है? तो देखो स्कॉर्पियो स्पाइडर का अप्रोच वेंट्रल या सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, कॉकरोच लोकस टीनिया मेटामरिक सेगमेंटेशन, टीनिया फंस गया टीनिया में नहीं होता है, लीवर फ्लूक सी एनिमोन सी कुकुम्बर बायलैटरल सिमेट्री, क्या गड़बड़ भैया ये देखो ये गड़बड़ है, इनमें बायलैटरल कहाँ रेडियल है, सेंटीपीड प्रॉन सी अर्चिन जॉइंटेड सी अर्चिन जो इकाइनोडर्मेटा में बिलोंग करता है, तो बेस्ट आंसर ये आ गया आपका 146 का ए, क्यों गलत है इनको हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि याद रहना चाहिए ये क्यों नहीं सही है, क्योंकि ये गलत फंस रहा है ये गलत फंस रहा है ये गलत फंस रहा है, ठीक है नोट करिए फटाफट। Which is matched with two general characters. दो general characters किसमें से किसके सही बैठ रहे हैं? तो इकाइनोडर्मेटा, बेंटामेरास, रेडियल सिमेट्री, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की कुछ गड़बड़। मोलस्का नॉर्मली ओवीपेरस, ट्रोकोफोर, वेलिगल लार्वा ये ठीक है। आर्थ्रोपोडा बॉडीज इनटू हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन नहीं होना चाहिए था। कॉर्डेटा कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड है, सेपरेट एनल एंड यूरिन अपर्चर कहीं जगह नहीं होता है, उसमें देखते हैं हम लोग फीचर्स में, तो बेस्ट ये बैठ रहा है नॉर्मली ओवीपेरस, ट्रोकोफोर लार्वा, यस मोलस्का, ट्रोकोफोर लार्वा वेलिगर, एक और लार्वा इसमें पाया जाता है एंड ग्लॉचिडियम लार्वा। बात की बात चल रही है तो एक बात और जोड़ देते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है, देखो ट्रोकोफोर जो लिखा हुआ था इसमें ट्रोकोफोर लार्वा याद रखना, ट्रोकोफोर एनिलिडा में भी पाया जाता है, अर्थों में नहीं है, बट ट्रोकोफोर इज कॉमन लार्वा बिटवीन मोलस्का एंड एनिलिडा, ये याद रखना, ये नॉलेज विज्ञान है,
पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, इसी से काम चलेगा। एग्जाम्पल ऑफ एक रहता जॉलिस साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है ना। तो कौन सा एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोमेटा का, मतलब होता है साइक्लिक सर्कुलर माउथ, गोल सा मुंह लेकर के आ गए, सर्कुलर माउथ। तो गोल माउथ में बेटा ना तो फिशेस आएंगी, ना एम्फीबियन आएंगे, पेट्रोमाइजॉन या जिसका एक और नाम है लैम्प्रे। अरे दो ही तो एग्जाम्पल याद रखना, याद कर लो इनको एक बार में। साइक्लोस्टोमेटा कहीं पर भी आए तो पेट्रोमाइजॉन या लैम्प्रे, दूसरा आपका मिक्साइन या हैगफिश। ये दो एग्जाम्पल, इसे तीसरा एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा ना है। मैंने पहले आंसर देखा नहीं, तो चेक कर लूं। पेट्रोमाइजॉन ठीक था। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट, जो इसमें तमाम एनिमल दिए हुए उनमें से करेंट किसमें बात सही बैठ रही है। मोलस्कंस आर एसिलोमेट, ये बात गलत है। इंसेक्ट्स आर सीडोसिलोमेट, बिल्कुल गलत है। फ्लैटवर्म्स आर सीडोसिलोमेट, ये तो बिल्कुल ही गलत है। राउंडवर्म और सीडोसिलोमेट, यही बात सही है। राउंडवर्म या स्केलमेंस सीडोसिलोमेट है और प्लैटीहेलमेंस एसिलोमेट है, बाकी सब में चाहे मोलस्का हो चाहे इंसेक्ट हो सब में कैविटी मौजूद है। फ्लैटवर्म सही हो जाता अगर यहाँ पर एसिलोमेट, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं दोनों में गड़बड़ी, उसके आगे सब में ट्रू कैविटी शुरू हो जाती है। 152 देखिए आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। फीचर ऑफ स्पंजेस, देखिए स्पंजेस के लिखा जाता है मल्टी सेलुलर बट नो टिश्यू, मल्टी सेलुलर बट नो टिश्यू, ग्रुप में सेल है लेकिन वो मिल करके एक जैसा काम नहीं कर रहे हैं। और इस कहानी के लिए एक ही एग्जांपल है जिसको कंसीडर किया जाता है, किसमें, पैराजोआ में, बाकी सब इसके आगे के मेटाजोआ यूमेटाजोआ हो जाते हैं, यूमेटाजोआ हो जाते हैं। तो बच्चों ने कर दिया इसमें कहीं ने टिश्यू लेवल, टिश्यू क्यों होगा भैया, मल्टी सेलुलर भी नहीं होगा क्योंकि पूछा गया है कि इन विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पंजेस, तो स्पंजेस में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस लेवल का है, तो वो है बेटा सेलुलर लेवल का, ठीक है ना। मल्टी सेलर आप कह रहे हैं मल्टी सेलर बट नो टिश्यू, लेकिन हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते क्योंकि ये ऑर्गेनाइज नहीं है। मल्टी सेलर अगर हम सही करेंगे तब तो वो टिश्यू नहीं हो गया, तो सेल जो ऑर्गेनाइज फॉर्म में जो काम कर रही है, भले ही बॉडी मल्टी सेलर है नो टिश्यू है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो इनका अभी भी सेलुलर लेवल ही कहा जाएगा। डिविजन ऑफ वर्क जो है वो सेलुलर लेवल पर बटा हुआ है, काम इनका सेल वाइज बटा हुआ है। क्वेनोसाइड ये करेगी, पेनेंकोसाइड ये करेगी, टिश्यू फॉर्म में नहीं कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए। 152 ये हो गया, उसके नीचे आ जाते हैं। 152 का हमने सही आंसर लगा दिया, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट All the four, Spongula, Leech, Dolphin or Penguin. Leech is fresh water while all others are marine, ऐसा नहीं है। Spongula is special colored cell, ठीक बात है। Coenocyte, हाँ ये किसी में नहीं पाई जाती। All are bilateral, ऐसा भी नहीं है। Penguin is homothermic, while नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। Dolphin जो है homothermic होती है, Dolphin is homothermic। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टॉर्सन, टॉर्सन एक फिनोमेना है जो मोलस्का में बायलैटरल सिमेट्री गड़बड़ कर देता है। टॉर्सन में क्या होता है कि जैसे ये सेल के अंदर बॉडी ऑर्गन्स हैं, तो ये बॉडी और
रोटेशन ऑफ ऑर्गन्स चलता रहता है। जब रोटेशन ऑफ ऑर्गन चलता रहेगा तो इनमें कोई भी हम सिमेट्री जज नहीं कर पाएंगे और ये दिखाई देता है गैस्ट्रोपोडा। बाकी सारे मोलस्का जो है वो कैसे हैं, बायलैटरल सिमेट्री है, लेकिन मोलस्का के क्लास गैस्ट्रोपोडा जो है वो है एसिमेट्रिकल। कैसा है? एसिमेट्रिकल है। और इसकी एसिमेट्री क्यों है? बिकॉज ऑफ टॉर्सन इफेक्ट, जिसमें ऑर्गन्स कीप ऑन रोटेशन रहते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर ऐसी कहानी हो जाती है कि ये जो है वो सिमेट्रिकल नहीं कहलाते। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 157। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए मैमेलियन कैरेक्टर, इनमें से कौन सा मैमेलियन कैरेक्टर नहीं है? मैमेलियन कैरेक्टर यही नहीं है। हेट्रोडॉन्ट पाए जाते हैं मुंह, मिल्क होना ठीक है, लिम्स ठीक है, स्किन यूनिक, यस। होमोडॉन्ट नहीं है, नॉट ए मैमेलियन कैरेक्टर, वी आर हेट्रोडॉन्ट, मैमल्स आर हेट्रोडॉन्ट, नॉट होमोडॉन्ट। होमोडॉन्ट में एप्स आ जाएंगे, एम्फीबियंस आ जाएंगे, एक जैसे दांत होंगे। नेक्स्ट विच स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग अबाउट द अकरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के ऊपर कौन सी बात पूरी तरीके से टोटली रॉन्ग कौन सी बात कही जा रही है 158 में? इट इज प्रेजेंट ओनली लार्वल टेल ऑफ एसिडियंस, ये बात तो सही है। इट इज एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमन, इट इज रिप्लेस बाई वर्टिबल, ठीक है, इन फ्रॉग। इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ इन एम्फियोक्सस, ये भी सही है, सिफेलोकॉर्डेटा में आता है, सिफेलोकॉर्डेटा में पढ़ते हैं हम लोग, सही रहता है, पूरी जिंदगी कार्टिलेज नोटोकॉर्ड मौजूद है। तो जो पूरी तरह से रॉन्ग है वो ये बिगनिंग में पाई जाती है, बाद में रिप्लेस हो जाती है, कन्वर्ट नहीं, रिप्लेस हो जाती है वर्टिबल कॉलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड बॉक्स ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एज, बर्ड्स के साउंड बॉक्स को हम कहते हैं सिरिंग्स, जो रखा होता है बेटा, देखो ये ट्रेकिया है, यहां पर रखा होता है। हम लोगों में पाया जाता है लैरिंग्स, और ये जो अपना लैरिंग्स है, लैरिंग्स की शिफ्टिंग भी एक इवोल्यूशन में आती है, ह्यूमन इवोल्यूशन में हमारा जो साउंड बॉक्स है ये भी पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ आता है, इसलिए छोटा बच्चा पहले थोड़ा थोड़ा बोल पाता है, फिर आ गया है। आदिकाल में लोग जो थे, जो हमारे पूर्वज थे, नियंडरथल, क्रोमैग्नन, जावा मैन, इन सब में भी साउंड बॉक्स नीचे था, पोस्टीरियर साइड था। अब हम लोग ऊपर पाया जाता है तो ये लैरिंग्स कहलाता है, और बर्ड्स में ये सिरिंग्स कहलाता है, ट्रेकिया के नीचे की तरफ रखा जाता है, पोस्टीरियर सिरिंग्स। नेक्स्ट है रेस्पिंग ऑर्गन इन मोलस्का। तो देखो केबर्स ऑर्गन जो है वो इनका एक्सक्रीटरी पार्ट है मोलस्कन्स का, ओमेटोफोर ये स्टॉक है आईज के लिए, ऑस्फ्रेडियम आप पढ़ ही चुके हैं, क्वेश्चन भी कर चुके हैं, कीमोरिसेप्टर है, वैसे अपने आप बस जाता है रेडुला। रेस्पिंग ऑर्गन इज ठीक, जो इनके माउथ पार्ट्स में, बक्कल कैविटी पार्ट में मौजूद है, और इसमें मौजूद होते हैं टीथ, ये बाहर आता है साथ में और फूड को इंजेस्ट कर लेता है। सॉरी भाई, थोड़ा कोरोना माहौल चल रहा है इसीलिए हम लोग ऑनलाइन चल रहे हैं। देखिए पिकअप वन वेयर जीनस, ये क्वेश्चन आया हुआ है, टेरोपस, टेरोपस बोलते हैं बैट को, चमगादड़, ये सही हो जाता है, लेकिन इसमें वीवी पैरस होना चाहिए। ऑरेलिया सही हो जाता, नीडोब्लास्ट, लेकिन यहां पर ऑर्गन लेवल जो है वो टिश्यू ग्रेड है। एस्केरिस सही हो जाता, लेकिन यहां पर बॉडी सेगमेंटेड लिख दी जो कि नहीं होती।
ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये एमिडा को नहीं बिलोंग करता है, एस्केरिस तो एसके एलिमेंट्स में आता है, निमेटोडा में आता है। तो अपने आप ये सही है। और इसमें याद रखना, फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो तो भी चल जाएगा, सेलेमेंडर में दोनों रहता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल भी है और कुछ जो है वो इंटरनल भी शो करता है। तो अगर कहीं ऑप्शन चेंज मिले तो भी आप इसको सही कर देंगे, यही आंसर बैठेगा डी, जो कि करेक्टली मैच्ड है। नोट कर लीजिए, देख लीजिए इनके काम को लिख लेंगे। मैमल्स हैव इवॉल्व फ्रॉम, तो हमें लगता है कि हम लोग पढ़ते हैं सब पाइसिस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, तो पहले एप्स जोड़ दो मैमल्स को, नहीं यहां से जोड़ो रेप्टाइल, क्रीपिंग से हम खड़े होना शुरू हो गए, हवा से थोड़ी आए, क्रीपिंग से रेप्टाइल। अगला देखिए, और मैमेलिया में रखे जाते हैं। 166 का सी हो जाएगा, ठीक है। 167 देख लो, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, बैठ गया ना, प्लेटी एलिमेंट्स यहां पे कह देंगे, मल्टी सेलर बट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलर बट नो टिश्यू स्पंजेस, रेडियल सिमेट्री सीलेंट डेटा, सीडोसीलोन झुंडी कैविटी एसके एलिमेंट्स, मेटामेरिस मेलिडा आर्थ्रोपोडा कॉर्डेटा, तब से रटवा रहे हैं आपको। तो फर्स्ट क्या क्या सही हो जाएगा, डी दो सही है, सेकंड का ए, मेरे ख्याल से फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का ई, फिफ्थ का सी, यही सही है, मिला लेते हैं 67 का सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आया था क्लास होता तो आपको रटवाते भी कुछ चीजें और लिखवाते, इसमें देखते रहिए बताते चलिए। इनमें से कौन जो है वो विवी पेरस नहीं है 169, तो ऑर्निथोरिंकस, प्रोटोथीरियम पढ़ते हैं, नॉट विवी पेरस 169। तो इसमें आप लोग एनसीईआरटी से या थोड़ा सा नजर डाल लीजिएगा, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया, जहां प्लेसेंटा बनने लगे, जहां पर जो मेटाथीरिया में ब्रूट पाउच बनते हैं, प्रोटोथीरिया जहां पे एग प्रोड्यूस करते हैं, इनके एक बार स्टडी आप करेंगे और उनके एग्जाम्पल लिस्ट बना लेंगे। Which one of the following characteristic is not shared by birds and mammals? में कौन से character ये share नहीं करते हैं? तो बहुत सीधी सी बात है, birds जो है वो oviparous हैं और हम लोग जो है वो viviparous हैं, तो मेरे ख्याल से viviparity ही answer हो जाएगा और तो बस ना, ठीक है ना। Which
विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल, तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल याद रखना रिवर डॉल्फिन, यही नाम है इसका, दैट इज द देख लेंगे रिवर डॉल्फिन. तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन के आंसर हैं, बहुत ज्यादा डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो कुछ गलत होते हैं. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड, ऑल पाइसिस हैव गिल कवर्ड बाय एन अपर कुलम, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा इनमें से. तो 173 में जो है करेक्ट स्टेटमेंट पहुंच जाएगा आपका, सारे रेप्टाइल में थ्री चैम्बर नहीं, क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर थी, पाइसिस गिल कवर अपर कुलम नहीं होता है, कार्टिलेजियन फिशेस में अपर कुलम नहीं पाया जाता है, ऑल मैमल्स आर ओविपैरस नहीं, ओविपैरस नहीं होते, ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स. 173 डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारे साइक्लोस्टोमेटा एक नेथा में आते हैं जिनमें जॉज नहीं होंगे, सर्कुलर माउथ पाया जाएगा. An important characteristic of the hemichordata shared with chordata. तो hemichordata और chordata में अगर कोई चीज shared है तो मेरे ख्याल से यही है, ventral tubular nerve cord or half. अच्छा जो नहीं है that share with chordata. Pharynx without gills, ये शेयर करेगा 175 को, pharynx without gills, yes. This is the correct answer 175 का. वन सेवेंटी सिक्स में कह रहा है देखिए, इन केस ऑफ पोरीफेरेंस द स्पंजोसील इज लाइंड विद, स्पंजोसील जो स्पेस है दो लेयर पाई जाती है स्पंजेस में, बाहर की तरफ पिनेकोसाइट अंदर की तरफ क्वाइनोसाइट, इसके बाद यहाँ पे स्पंजोसील रहती है, यहाँ पे पिनेकोसाइट, यहाँ पे क्वाइनोसाइट, बीच में एक डाउन सेलुलर लेयर, ये भी जोड़ लेंगे, कई बार पूछी भी गई है, जिसे कहते हैं मीजोहाइल, मीजोबिलिया नहीं मीजोहाइल, मीजेनकाइम नहीं मीजोहाइल, पोरीफेरा में मीजेलहाइल मीजोहाइल, सीलेंडेटा में मीजोगिलिया और उसके आगे फिर मीजेनकाइम. तो इसका आंसर है क्वाइनोसाइड, बाहर पिनेकोसाइड अंदर की तरफ क्वाइनोसाइड, स्पंजोसील की लाइनिंग जो बना रहा है वो कोई और नहीं है, कौन है वो, क्वाइनोसाइट है. 176 में डी आंसर हो जाएगा, क्वाइनोसाइट, यस. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द करेस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स. कैरेक्टरिस्टिक फीचर होल्ड ट्रू फॉर द करेस्पॉन्डिंग पजेस द माउथ विद एन अपर एंड ए लोअर जॉ. कॉर्डेटा, सभी कॉर्डेटा में नहीं होगा अपर एंड लोअर जॉ, एक नेथा में तो नहीं होता है, एक नेथा यहां पर बवाल कर देता है. कोई बात, थ्री चैम्बर्ड हार्ट रेप्टाइल में हर जगह नहीं होंगे, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कॉन्ड्रिक थाइस, ठीक है ये भी गलत बैठ गया, और भी पैरेंस भी होते हैं, थोड़ा सीधा उड़ा दो. करेक्ट आंसर इज कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन इन कॉन्ड्रिक थाइस, ये जिसको कहते हैं हम लोग कार्टिलेजिनस फिशेज या जिन्हें कहते हैं एलेस्मोग्राम्स. ये सब नाम देखो पूरा आपको एनिमल किंगडम पढ़ाते चले गए इस छोटे से समय में, थोड़े से समय में ज्यादा लाभ लीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उनको बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले चैप्टर से लगातार चलते चले आ रहे हैं हम लोग, 11 12 दो में एनसीईआरटी कवर कर देंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम ऑफ नॉट प्रेजेंट है, जो आर्थ्रोपोडा में नहीं पाई जाती है, जॉइंटेड है, मेटामेरिक है, पैरापोडिया नहीं पाए जाते भैया, पैरापोडिया नेरीज में पाए जाते हैं, और नेरीज किसका कैरेक्टरिस्टिक है, फाइलम एनिलिडा में, पैरापोडिया सीटी ये सब
आर सपोर्ट हमें पाए जाते हैं, इसलिए इसको हटा दीजिए, आगे चलते हैं। ये मेरे ख्याल से सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं एनिमल किंगडम से रिलेटेड, और इसके बाद अब फिर से कहानी शुरू होती है हमारे चैप्टर में उसकी प्लांट वाली पार्ट की, मॉर्फोलॉजी। तो फिर से आप पहले क्वेश्चन से देखना शुरू करेंगे 93 से। मैं एक ग्लास पानी पीता हूँ। तो 93 से हम देखेंगे स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट कहाँ पाई जाती है। 30 क्वेश्चन है, बंदा 20 मिनट खत्म हो जाएगा। देखिए स्टिल्ट रूट जो है वो हम लोग जानते हैं स्टेम में नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। नोड में जो नीचे के नोड होते हैं वहां से करने में, देखा नहीं, गन्ने और मक्के में उखाड़ना पड़ता है जब नीचे फंसी रहती है शरीर में स्टिल रूट, गन्ना हो गया, यहां से नीचे की तरफ निकली होगी नोड पर से, ये नोड हो गया, ये इंटर नोड है। तो नोड से राइज करनी है, मेज में भी सुगर केन में भी, तो बोथ बी एंड सी इज द राइट। आगे चलते हैं। वेलामेन क्या होता है कि ये हवा में लटके हुए स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं और ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, नमी ले लेते हैं, आंखों के नीचे से काजल चुरा लेंगे कहते हैं, पता नहीं चलेगा, हवा में से नमी को खींच लेते हैं और वो फिर आगे काम आ जाती है वाटर एब्जॉर्प्शन। तो ये एरियल पार्ट्स ऑफ सम ऑर्चिड या वेरेटा, इन्हें हम कहते हैं वेलामेन टिश्यूज में जो पाए जाते हैं ये टिश्यूज मौजूद रहेंगे, ठीक है। इन्हीं एरियल रूट्स का एक और नाम भी एपिफिलस रूट भी कहते हैं, एपिफिलस रूट ये वेलामेन, वेलामेन टिश्यू बने हाइग्रोस्कोपिक के थ्रू। 96 हो गया, आज 99, ठीक। सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स दिए हैं, रूट मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन, लीफ फ्लावर, अंडरग्राउंड स्टेम जानते हैं हम लोग, पोटैटो ट्यूबर जिसे कहते हैं, स्टेम टेंड्रिल, जितने भी गार्ड, कुकुम्बर, वाटरमेलन, सब में ये स्टेम से धागा निकला था साइड से टेंड्रिल, स्टेम थॉर्न सिट्रस में भी, और एक याद रखना बोगनवेलिया में, पूरी एनसीईआरटी मॉर्फोलॉजी की रिवाइज हो जाएगी बोगनवेलिया। फ्लैटेंड स्टेम और फ्लैसी सिलेंड्रिकल स्टेम, दोनों के एग्जांपल साइड बाय साइड मिले होंगे एनसीईआरटी में, अपोंसिया और यूफोर्बिया, जिसमें इनके जो स्टेम होते हैं वो मॉडिफाई होकर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। लीफ कहाँ गई, लीफ स्पाइन बना लेते हैं, इन्हीं को तो फिलोक्लैड और क्लैडोड में पढ़ते हैं, ये लीफ है लेकिन ये किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम, ये लीफ स्पाइन है, इसका मॉडिफिकेशन है लीफ, स्टेम बदल गया लीफ में, लीफ बदल गया अपोंसिया में, पापी पेट का सवाल है, पानी को कंजर्व करना है, फोटोसिंथेसिस भी करानी है, तो करंट आंसर जोड़ लो, देख लेते हैं सीधे सीधे 99 का हो जाएगा आपका डी, डी देखो बैठना ना सही, ए का आर, बी का टी, ठीक है। पेरियंथ, पेरियंथ हम लोग जानते हैं एक ही फैमिली लिलियसी, जिसमें पेरियंथ पाए जाएंगे 3+3 के कंटेनर में रहते हैं, और पेरियंथ वहां पे जहां पे सेपल और पेटल में ये डिफरेंशिएशन ना हो पाए कि कौन सेपल है कौन पेटल है, सेपल और पेटल सब एक ही जैसे लगते हैं तो उनको बोलते हैं पेरियंथ, और पेरियंथ की यूनिट क्या होती है, टेपल, टेपल्स रहते हैं 3+3 क्यों लिखा, क्योंकि ये दो ग्रुप में रहते हैं, तीन तीन के फैमिली लिलियेसी में पेरियंथ पाए जाते हैं,
अगला डायड अल्फा 9+1 स्टामिन, 9+1 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देती है पेप्लियोनेसी में, फाबेसी में, पेप्लियोनेसी या फाबेसी। डायड अल्फास दो ग्रुप में आ रहे, एक बड़ा एक जो है एक अकेला लगा हुआ है और 9 जो है वो एक साथ लगे हुए हैं, 9+1 दैट इज अ डायड अल्फा। सिंगल होता तो मोनोड अल्फास, चाइना रोज में गुड़हल में, और दो से ज्यादा हो जाता तो फिर पॉलीएड अल्फास। ये क्वेश्चन शायद वहां छूट गया था तो मैंने यहां पे दे दिया है। बिसाइड्स मैमल्स प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर, प्लेसेंटा लाइक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर मैमल्स के अलावा और कहां पाया जाता है, तो ये जो प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर है मैमल्स के अलावा कार्टिलेजनस फिशेस में ही, हां ठीक, कार्टिलेजनस फिशेस में पाया जाता है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है ट्रोपोनिमेटा। डेवलपमेंट के समय दिखाई देता है। दूसरा जो है ये यॉर्क सैक, ये दो स्ट्रक्चर मैमल्स के अलावा जो है वो कार्टिलेजनस फिशेस में दिखाई देते हैं, ट्रोपोनिमेटा एंड योक सैक, याद रखिएगा। तो ये एडिट करने में छूट गया। नेक्स्ट आता है फ्लावर ऑफ फैबेसी, फैबेसी फैमिली जानते हैं हम लोग, पी प्लांट को जो बिलोंग करती है उसमें हम लोग पढ़ते हैं फैबेसी को। तो फैबेसी पूछ रहे हैं कि साहब ये कैसी पाई जाती है, तो फैबेसी में जो फ्लावर होगा उसके अंदर सिमेट्री में मालूम है क्योंकि वैक्सिलर प्लेसेंटेशन है, इसलिए एक ही तरफ से वो दिखाई देते हैं, एक ही प्लेन से हम उसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो जाइगोमॉर्फिक हो जाएगा और जाइगोमॉर्फिक यहां भी दिया लेकिन ट्राइमेरास है दोनों, तो ये कट जाएंगे। 5 के मल्टीपल में ऑर्गन पाए जाते हैं, कैलिक्स भी 5 है, करोड़ा भी 5 है, ठीक है ना, इसलिए कंप्लीट ही हो जाएगा जाइगोमॉर्फिक पेंटामेरास, 111 का ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ रूट जोन स्टार्टिंग फ्रॉम, तो रूट जोन हम लोग जानते हैं सबसे पहले रूट कैप आएगा, फिर रीजन ऑफ प्रोलिफरेशन लगातार डिवीजन होगा, डिवीजन के बाद फिर इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन के बाद मैचुरेशन होगा, मैचुरेशन से फिर लैटरल रूट राइज करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूट कैप सेल डिवीजन एनलार्जमेंट, यही आंसर सही है, एंड सेल मैचुरेशन, रूट कैप सेल डिवीजन सेल मैचुरेशन नहीं होगा तो ये कट गया यहां पर, सेल मैचुरेशन सेल डिवीजन, ये आंसर सही हो जाएगा, 114 का ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब देखिए आप ऊपर एनसीईआरटी जो है व्हाट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज सीन इन स्वीट पोटैटो, तो ये एग्जांपल सिर्फ आपको जितने एनसीईआरटी में दिए मॉर्फोलॉजी में वही एग्जांपल पूछे जाएंगे एग्जाम में, कौन सा टाइप ऑफ प्लेसेंटा, ये बार बार कई बार आते हैं क्वेश्चन, ये दिखाई देगा स्वीट पी में, तो स्वीट पी में बेटा दिखाई देगा हमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ठीक है। उसके बाद में एग्जाइल प्लेसेंटेशन कहां पे दिखाई देगा, लिख लेते हैं सारे एग्जाम्पल एक जगह पे आ जाएंगे आपके, तो एग्जाइल में कर देंगे चाइना रोज लेमन में, चाइना रोज लेमन और टोमेटो, ठीक। फ्री सेंट्रल कर देंगे डायंथस में, फ्री सेंट्रल डायंथस और प्रिमरोज में, इसके अलावा आपको कोई एग्जांपल याद नहीं करना। बेसल जो है वो मैरीगोल्ड सनफ्लावर, ये ही पूछे जाएंगे यहां पे नीट एग्जाम में, जब भी प्रेजेंटेशन के क्वेश्चन आएंगे ये एग्जांपल आपको याद है। रोज लेमन और टमाटर लीजिए आप, और मेरी सन है दतूरा, प्रेम रोज है ये, फ्री सेंट्रल, पैराइटल बच गया, पैराइटल के एग्जांपल को नोट कर लीजिएगा,
मस्टर्ड और आरजी मोहन, मस्त आरजी मोहन, मस्टर्ड आरजी मोहन, ये हो गए पैरेंटल प्रेजेंटेशन, फ्री सेंट्रल डायरेक्टर्स प्रिमरोज एग्जाइल। तो हम लोग ने जो रखते हैं पहले बेस मार्जिनल, फिर एग्जाइल, फिर पैराइटल, फिर फ्री सेंट्रल, ठीक है। ये एग्जाम्पल आ गया, बढ़ते पूछा गया पेंटामेराज एक्टिनोमार्फिक फ्लावर बाई कारपिलरी, कोई तीन ही फैमिली है, ये ऐसी होगा नहीं, सोलोनेसी है, कैप्सूल ऑफ बेरी 120 का सोलोनेसी है, क्योंकि ये ट्राइमेरास है, ये टेट्रामेरास होता है, ब्रेसिका जाइगोमॉर्फिक है, सोलोनेसी है। एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जाइल प्लेसेंटेशन, तो एग्जाइल प्लेसेंटेशन में भी रटवाया आपको, एग्जाइल में लेमन, चाइना रोज एंड टोमेटो, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, डायंथस प्रेमरोज, मस्त आर्जिमोन पैराइटल, सो लिखे चुके हैं वही चीज रिपीट है। ये क्वेश्चन हटा दिए भाई, क्योंकि ये सभी इसमें, सॉरी दिस वन 126 विच इज करेक्टली मैच, सभी इसमें करेक्टली मैच हो रहे थे, तो ये नजर में पड़ नहीं पाया क्वेश्चन देने से पहले, इसलिए इसको हमने कैंसिल कर दिया, इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे आपको। देखा था वैक्सिलरी एस्टिवेशन, तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन बेसिकली कार्पल में, उसमें करोला में पाया जाता है, इसमें फेबेसी फैमिली में, जिसमें हम लोग देखते हैं 1+2+2 ब्रैकेट में रहते हैं, जिसमें पेटल जो है एक बड़ा सा है, जिसे कह देते हैं वैक्सिलम या स्टैंडर्ड, साइड में दो ये निकलते हैं विंग, और किनारे तो ये छोटे छोटे जिन्हें कहते हैं कील, आपस में फ्यूज रहते हैं, तो 1+2+2 फैबेसी फैमिली में आ जाते हैं, ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन, एस्टिवेशन है तो उसको ऐसे शो कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, अभी आपको बताया लीव्स जो है वो स्पाइन में बदल, जीरो फिटिंग प्लांट अपुंसिया, ये तो अंडरग्राउंड होगी, ये तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट, अपुंसिया इसका राइट आंसर, जिसमें लीव्स स्पाइन में बदल जाती हैं, और लीव कौन बन जाता है, स्टेम लीफ में मॉडिफाई हो जाता है, तो 132 पे हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है ना, और इसका आंसर है 132 का भी, काफी देर से देखे नहीं क्वेश्चन, ठीक अपुंसिया हो जाएगा इसका। दिखाई दे रहा साफ साफ, ये किसका है, तो ये जाहिर सी बात है पेंटामेरास है, एपिपेटलस है, गाइनोसियम टू सुपीरियर ओवरी बाइकार्पेलरी, तो ये पेटिकुला को बिलोंग कर देगा, सोलोनेसी जाएगी, एलियम वन ये ब्रेसी केसी का है, ठीक, करेक्ट आंसर इज पेंडिंग। पूछा गया जिंजर वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स थ्रू, तो जिंजर रखा ही जाता है कि इसमें राइजोम में अंडरग्राउंड स्टेम जिंजर राइजोम, तो इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये राइजोम से होगा, करेक्ट आंसर इज सी, ठीक। बल्बिस पढ़ते हैं हम लोग कहां पर, टेडो उसमें
बल्बिल्स वहाँ पर अपने जीमा का बल्बिल्स वेजिटेबल प्रोडक्ट्स रनर्स जमीन पे ऑफसेट ऑफसेट में आते हैं आपका इकार्निया एक्वाटिक रनर पानी के अंदर जो तैरना है पेरिगाइनस फ्लावर्स आर फाउंड इन तो पेरिगाइनस फ्लावर में आपका रोज हो जाएगा प्लम हो जाएगा पीच हो जाएगा 141 रोज प्लम पीच हाइपोगाइनस फ्लावर पूछा जाए एनसीईआरटी के एग्जांपल यहां पे लिखे दे रहे हैं चाइना रोज मस्टर्ड ब्रिंजल ये पूछे जाएंगे पेरिगाइनस पेरिगाइनस में तो हो गए ये दोनों ये तीनों आपके डाल दीजिए और एक बचा कौन सा एपिगाइनस एपिगाइनस में गुआवा कुकुम्बर रे कुकुम्बर गुआवा एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर इनको याद रखना बस हाइपोगाइनस में चाइना मस्त ब्रिंजल पेरिगाइनस में रोज प्लम पीच एपिगाइनस में कुमकुम ग्यारे कुकुमर गया गुआवा रे रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर ठीक ये याद रखें पेरिगाइनस यही सिर्फ एग्जांपल याद रखने और कुछ नहीं हाइपोगाइनस पेरिगाइनस एपिगाइनस जहां से फ्लावर का इंट्रोडक्शन हम पढ़ना शुरू करते हैं उनमें आप इतने एग्जांपल याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम टेंड्रिल इनमें से कौन जो है वो नहीं है नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन टेंड्रिल ऑफ कुकुम्बर है फ्लैटेन स्ट्रक्चर ऑफ अपुंसिया ये भी है पिचर ऑफ निपेंथस इसको सोच सकते हैं थॉर्न ऑफ सिट्रस हाँ ये है ये भी स्टेम है सिट्रस में भी और बोगनवेलिया आपको लिखवा चुके हैं पिचर ऑफ निपेंथस ये जो है लीफ का मॉडिफिकेशन इसमें भी और दूसरा इसका एग्जाम्पल है वीनस फ्लावर वो वीनस फ्लाइट रैप These are the example of, these are the modification, this is the modification of leaf. बाकी ये तीनों जो हैं वो stem के modification हैं. चाहे tendril हो cucumber में, चाहे वो flattened structure Apuncia में हो, चाहे cylindrical structure Euphorbia में हो, चाहे thorns हो, ये सब stem modification हैं. लेकिन pitcher of Nepenthes is modified leaf और Venus flight है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन है देखिए स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीफ लीफ की तरह तो ये फिल वर्ड यूज करते हैं लीफ की तरह तो जब स्टेम मॉडिफाई होता है लीफ तो फिलोक्लेट जब पेटियोल मॉडिफाई हो जाए पेटियोल या रैकिस मॉडिफाई हो जाए तो फिलोड जब स्टेम लिमिटेड फॉर्म में मॉडिफाई हो जाए लीफ में सब लीफ में हो रहे हैं तो बोलेंगे क्लैडवुड ठीक ये आपको एग्जांपल पढ़ लेते हैं फिलोक्लैड फिलोड क्लैडवुड कई बार क्वेश्चन पूछा गया कॉटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड तो कॉटिलेडन ऑफ मेज को कहते हैं स्कूटलम जो लगा रहता है एंडोस्पर्म और बार्क लेयर के बीच में दैट इज अ स्कूटलम करेक्ट आंसर बी कोरियोप्टाइल जानते हैं सब लोग कवरिंग है किसके ऊपर एम्ब्रियो एम्ब्रियो प्लिम्यूल कवरिंग है एम्ब्रियो स्टेम कवरिंग है कोलियोराइजा ये एम्ब्रियो के रेडिकल की कवरिंग है रूट बनती है तो मालूम ही है एम्ब्रियोनिक स्टेम जो है
ये फिल्म्यून हो गया, ये रेडिकल हो गया, जोड़ते चले जाए तो पूरा चैप्टर ही शुरू हो जाए। कॉटिलेडन ऑफ के बारे में बात होगी, ठीक है, बात थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। स्टैंडर्ड पेटल्स ऑफ, तो कोई बात है, स्टैंडर्ड पेटल ऑफ पैप्लियोनेसी करोला। अच्छा, एक्सिलम देखो होता क्या है कि ये जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था हमने, ये जो फिगर रहता है ना, इनके दूसरे नाम ये हो गया एक्सिलम, या इसको कहते हैं स्टैंडर्ड, ओके। ये जो है इनको कहते हैं विंग, या इसको कहते हैं एलो, कोई इन्हें बोलते हैं कील। ये एक और नाम भी याद रखना, करीना, करीना कपूर वाला नहीं है, सी से सी आर है करीना। तो एक ये रहेगा, दो ये रहेंगे, दो ये रहेंगे। फॉर्मूला इसका होता है 1+2+2, दोबारा आपको बता दिया ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको आप नोट कर लें। वेक्सिलम विंग और एलोए, कील और करीना, ये रहेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, द टर्म पॉलिड एडल्फस, बताए दो से ज्यादा ग्रुप में अगर एंड्रूसियम आ जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं पॉलीडेल्फस, सिंगल है तो मोनोडेल्फस, दो है तो डायड्रोफस, दो से ज्यादा हुए मोर देन टू, मोर देन टू ग्रुप्स ऑफ स्टामेन, स्टामेन इज यूनिट ऑफ एंड्रूसियम। इसमें बेटा जो है, हाउ मेनी प्लांट्स अमंग इंडिगो फेरा सिस्बेनिया साल्विया एलियम एलोए मस्टर्ड ग्राउंडनट रेडिस ग्राम टर्निक। तो इसमें देखो जो बिलोंग करेंगे, इसमें क्वेश्चन पूछा है कौन डिफरेंट लेंथ के, तो डिफरेंट लेंथ के वही होंगे जो बिलोंग करेंगे ब्रैसिकेसी फैमिली को और लैमलियंसी फैमिली, दो रहेंगे। इसमें जो है कई सारे नाम दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर है 159। साल्विया दुबाया था लेमियसी फैमिली, नंबर कोर्स में नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन आया होगा, साल्विया जो है लेमियसी फैमिली का आया था। बाकी टर्निप मस्टर्ड और रेडिश, मस्टर्ड टर्निप ये तीनों ब्रैसिकेसीज़ हैं। साल्विया ये लैमियसी है, तो इन्हीं के अंदर जो है कंडीशन डायडाइनमस और टेट्राडाइनमस, इनमें टेट्राडाइनमस होती है दो बड़े चार, चार बड़े दो छोटे रहते हैं, इसमें जो है दो छोटे दो बड़े रहते हैं। तो इन डिफरेंट लेंथ के जो दिखाई देंगे वो इन्हीं सब में दिखाई देंगे। बाकी ये सोलोनेसी को बिलोंग कर रहा है, ग्राउंड नट जो फर्बेसी को बिलोंग कर रहे हैं, ब्रेसी कैसी लेमियसी में, तो तीन और एक चार इसका आंसर करिएगा, डी आ जाएगा सही आंसर, 159 का डी कर लेना, उसमें आंसर शीट में 3 दिया रही 4 होंगे, साल भी अभी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन एंडिंग की तरफ पढ़ते हुए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। A leaf is identified from, एक पत्ती को हम किससे पहचानेंगे, खैर सर लैमिना से पहचान लेंगे। अरे भाई हो सकता है कि वो लैमिना जो है मॉडिफाई हो गई हो, लीफ ब्लेड लीफ पेटियोला ये भी मॉडिफाई हो सकते हैं, क्लोरोफिल
कोई आइडेंटिफिकेशन का तरीका नहीं है, आइडेंटिफिकेशन में सिर्फ एक एक्सिलरी बर्ड की पोजीशन से पहचान लेंगे कि लीफ किस तरीके से बिहेव कर रही, किस तरीके की लीफ है। बेस्ट आंसर प्रेजेंस ऑफ एक्सिलरी बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री सेंट्रल, तो बताया था फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन किसमें, मस्त आर्जिमोन, मस्टर्ड और आर्जिमोन 165, सॉरी फ्री सेंट्रल डायथस और ग्लूकोज। डायंथस और प्रिमरोज, सिट्रस और लेमन, सिट्रस और लेमन दो, ये सिट्रस और टोमेटो, चाइना रोज, ये हो गया आपका एग्जाइल, ठीक है। कोकोनट फ्रूट इज ए बेरी, वो ड्रूप ड्रूप रहता है, बाइकार्पेलिक डेल, तो इसे मैं रटना ही है, कोई आपसे डिटेल नहीं पूछा जाएगा, ना ही एनसीईआरटी में डिटेल दिया गया। बोगनवेलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन, आप बता चुके हैं आपको, दो एग्जांपल याद रखने आपको, बोगनवेलिया और लेमन, ये दोनों ही मॉडिफाइड है किससे, स्टेम्स, थॉर्न्स, बोगनवेलिया के थॉर्न और लेमन के थॉर्न। बोगनवेलिया में एक और पूछ लिया था, जो आपको बोगनवेलिया दिखाई देती है रेड येलो, ठीक है ना, ये इनकी लीफ नहीं है, ये इनके पेटल नहीं है, ये इनके क्या है, मॉडिफाइड ब्रैक्ट है, और कैसे ब्रैक्ट है, ये पेटलॉयड ब्रैक्ट, पेटल की तरह दिखाई देती, पेटलॉयड ब्रैक्ट, ठीक। बहुत सिंपल क्वेश्चन, रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, तो रूट हेयर हम लोग जानते हैं कहां से डेवलप होंगे, किस रीजन से, रूट कैप से पीछे मेरिस्टेमेटिक, उसके बाद में डिवीजन एलोंगेशन, लास्ट में मैचुरेशन जोन से रूट हेयर डेवलप होते हैं, ठीक है ना, रूट कैप होते हैं छोटे क्लास से देखते हैं, यहां पर डिवीजन होगा, यहां पे एलोंगेशन होगा, और यहां पे मैचुरेशन होगा, यहीं से रूट हेयर निकलेगा। तो करेक्ट ऑर्डर फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये शुरुआत में भी दिया था आपने। मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडल्ट पार्ट ऑफ कोकोनट, कोकोनट में एडल्ट पार्ट क्या है, तो कोकोनट सबसे बाहर की तरफ, फिर ये टेस्ट अलग रहेगा, ये यहां पर टेस्टा हो गया, ये एंडोस्पर्म हो गया, और ये कर्नेल हो गया, यानी कोकोनट फ्लूड हो गया, मिल्क जिसको कहते हैं, तो हम लोग क्या फिट करते हैं, एंडोस्पर्म खाते हैं। 177 का बी हो जाएगा आंसर, एंडोस्पर्म, ठीक है। अब बचेगा कौन सा, आखिरी वन एट्टी, फोर फॉर्मूला ऑफ
दिखाई दे रहा है 555 के मल्टीपल में है, 1+9 नहीं है, 3+3 भी नहीं है, लिलियसी भी नहीं है, फेबेसी भी नहीं है, सोलोनेसी होगा, टुबाई को चिपका देंगे इसमें। सन हैम जूसिया हो गया, सोयाबीन जो है वो बिलोंग करेगा लेगुमिनेसी को, ट्यूलिप बिलोंग करेगा लिलियसी को, ये लेग्यूम हो गया, सन हैम लेग्यूम हो गया, ट्यूलिप लिलियसी हो गया, ये लेगुमिनेसी हो गया, तो टोबैको इसका करेक्ट आंसर। और इस तरीके से ये आपकी पूरी कंप्लीट हो जाता है डिस्कशन ऑफ सेकेंड टेस्ट पेपर, जिसमें हम लोगों ने आज डिस्कस किया मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड एनिमल किंगडम। और ये कम्प्लीटली कम्प्लीट है आपके 180 क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड थ्योरी, करेक्ट आंसर्स, जिसमें 126 को कैंसिल किया, 159 में हमने करेक्शन किया क्वेश्चन में भी डिस्कशन के समय, बाकी आपके सारे आंसर और सब आप ऐप पे देख लेंगे आने वाले टाइम में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अगले टेस्ट में और अच्छी तैयारी करके आना है आपको, और उसमें फिर हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर विद नए जोश के साथ, नई तैयारी के साथ। थैंक यू, बाय बाय। टाइमिंग देखेंगे।